सो गाइस आप हम सबके चेहरे देख सकते होंगे हम लोग सब एकदम शॉक में हैं क्योंकि ये जो रोड है ये बहुत ही पतली है, ये जो विला है ये बहुत ऊंचाई पे है और हमारी गाड़ी भी थोड़ी बड़ी है तो हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है वहां तक जाने में। लेकिन बस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, हम 600 मीटर दूर हैं और बीच में तो हमें लगा था कि हम गलत रास्ते पे आ गए और हम वहां से गाड़ी भी नहीं मोड़ सकते थे। बट आप टेंशन देख रहे हैं हम सबके चेहरे पे लेकिन फाइनली वी आर ऑन आवर वे। और एक मिनट हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड व्लॉग जो कि हम शूट कर रहे हैं स्ट्रेट फ्रॉम उत्तराखंड। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारा स्टे कैसा था और वो कितनी ऊंचाई पर था। जो रास्ता था वहां तक जाने का वो काफ़ी ही खतरनाक था। जैसा कि आपने देखा था कि रास्ते में हम लोग इतनी ज़्यादा डर गए थे बिकॉज रास्ता इतना पतला था कि सबकी सांसें रुकी हुई थी और वो सब तो ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे हैं वो विला कैसा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे साथ ये है यहाँ का एंट्रेंस। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल विला है, मैं तो देख के खुश हो गई, एकदम पागल हो गई मैं भी। और हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे वैसे ही यहाँ पे बारिश होने लगी और थोड़ा सा मौसम अजीब सा हो गया है, लेकिन बट अभी आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाने वाली है। हाँ, दिखाने वाली हूँ जो विला के जस्ट फ्रंट सामने का है। वाह, ये खुला आसमां, ये लिटरली मतलब एक जैसे मूवी वाली फीलिंग होती है, एकदम उसी तरीके की फीलिंग आ रही है। हम काफ़ी हाइट पे हैं, हम काफ़ी डर गए थे। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा कि उसमें हम लोग गाड़ी से कैसे कैसे करके आ रहे थे, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, सब एकदम शांत थे क्योंकि रजनीश भी फर्स्ट टाइम हिल्स पे ड्राइव कर रहा था एंड नो डाउट मतलब उसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली सिचुएशन को हैंडल करा और हम मतलब एकदम अच्छे से यहाँ पे आ गए। और एक पल को तो हमें ये लगा कि हमें आना चाहिए था कि नहीं, क्या हमारा डिसीजन सही था कि नहीं, बट आप देख सकते हो कि मतलब दिस इज़ टोटली वर्थ। और ये है हमारा विला और इसमें थ्री बेडरूम है एंड 3.5 बाथरूम है और किचन काफ़ी कुछ है। मैं आपको इधर थोड़ा सा बैक यहाँ पे आ रहे हैं तो आप विला में ज़रूर आए, बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। अभी आ जाओ अंदर, सब हम लोग आपको ले चल रहे हैं इस घर के अंदर। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि नीचे है और इसका जो व्यू है वो काफी प्रिटी है, गार्डन व्यू है प्लस लेक व्यू है। यस, और इसमें विंडो मतलब ये विंडो खुलता है पर ये आप बालकनी में बाहर जा नहीं सकते हो, लेकिन इसका व्यू आप देख रहे होंगे, आपको लेक भी दिख रहा है, माउंटेन्स भी दिख रहा है और गार्डन भी है, तो बहुत ही सुंदर है। साथ में अटैच वॉशरूम है। अब आइए हम ऊपर चलते हैं। आप हम दोनों की एक्साइटमेंट से समझ सकते हो कि बहुत कितने खुश हैं। बस बारिश हो रही है बाहर, तो अभी बारिश हो रही है तो आप यहाँ से देखो पीछे से भी दिखा दो। तो ये हमारा सेकंड बेडरूम है
बालकनी है जिससे आप बाहर भी जा सकते हैं। yes. अब बाहर बारिश हो रही है और आप व्यू देखिए बस। Wow. Isn't it amazing? पहाड़, बादल, पानी। यहाँ छोटा सा मंदिर भी है, पूजा करने का, पूजा भी कर सकते हो। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम। ये तो बहुत ही बड़ी है, मतलब ये सेकेंड और थर्ड बेडरूम जैसे चिल कर सकते हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी चिल करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे भी बालकनी है एंड वाओ अगेन। और इन्होंने ना साइड में ऐसे टेबल और चेयर भी प्रोवाइड कर रखा है कि आप बालकनी में बैठ के अपना कॉफी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। बट थोड़ा बारिश हो रही है तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है आज के लिए, बट हम यहाँ एक दो दिन रुकेंगे। फेस से देख सकते हैं हम लोग कितना ज़्यादा थक चुके हैं, हम लोग बहुत थक रहे हैं, लेकिन सब देख के दिल खुश हो गया है। और कल हम लोग मुक्तेश्वर जाने वाले हैं, बट अब हम थोड़े से डाइसी सिचुएशन में हैं कि क्या हम ये जगह छोड़ के कल मुक्तेश्वर घूमने जाएंगे, जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग बहुत खुश हो गए ये देख के, और हमारा मन कर रहा है कि हम यहीं पर थोड़ा सुकून से एक दो दिन रहें, चिल करें फैमिली के साथ। और आप बताइएगा आपको ये विला कैसा लगा, एंड हाँ। इसके सारे डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। भी नोटिस करा कि मेरा बिंदी पूरे टाइम साइड में लगा हुआ था, बट दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या बताएं, हम बारबेक्यू लेकर आए हैं, हम वो सब हम वीडियोस में दिखाएंगे, बोल लेकर आए हैं, करने वाले हैं हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं सीरियसली। शानू क्या हम लोग इंजॉय करने वाले हैं? हाँ। कितना? बहुत सारा। वेरी गुड, तो स्टे ट्यून्ड और हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है, अब हम लोग क्या खाने वाले हैं। Yes. आपने हमारे लिए क्या बनाया है? आलू के पराठे। अरे वाह। और आपका चिकन बन रहा है। वेरी गुड। और आपने बहुत ही टेस्टी बनाया है, देखने में लग रहा है। खाइए आप आराम से। चलिए इन लोग से पूछते हैं। सो गाइस, पराठा कैसा है? बहुत टेस्टी, थैंक यू आंटी, बहुत अच्छा बना है। बहुत बढ़िया, चलिए। और जा रहे हैं आलू का पराठा एंजॉय करने इस व्यू के साथ, बारिश में आलू के पराठे विद चाय। मैं दिखा के बताती हूँ, पहाड़ों वाली कुछ अलग ही रहती है टेस्ट उसकी। बहुत ही अच्छा है दीदी, सच में दीदी हम लोग को एकदम गरम गरम पराठे सेक के दे रही है। और यहाँ हम लोग नहा वहा के एकदम फ्रेश हो चुके हैं, और यहाँ पे ठंड, मतलब ठंड है ज़्यादा भी नहीं है बट है, और हम सब लोगों ने विंटर वेयर्स पहन लिए हैं और सब लोग फ्रेश हो चुके हैं, और बस नेक्स्ट हम लोग अपना पार्टी शुरू करने वाले हैं। और यहाँ शांति नीचे जा रही है, भाभी क्या कर रही हैं? गर्म पानी, भाभी की तबीयत खराब हो रही है यहाँ पे। और यहाँ सब लोग नहा वहा के एकदम फ्रेश बैठे हैं, देव सो के उठे हैं। और दिखाती हूँ कि दीदी ने चिकन बनाया बहुत ही टेस्टी वाला, कुछ अलग ही स्टाइल में। वाह, क्या टेस्टी है। वो चावल भी बना के चली गई है और उन्होंने रोटी भी बना लिया है, तो यहाँ पे पूरा खाना रेडी है, रोटी भी बन चुकी है, बस हम लोग अपना काम करने जा रहे हैं और आगे दिखाएंगे क्या खाने वाले हैं। देव तो तुम क्या कर रहे हो? मैं ये हुक्के की फ्लेवर की मिक्सिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप नहा के आ रहे हो? हाँ, मैं सीख रहा हूँ हुक्का बनाना। अच्छा, तो यहाँ पे देव बहुत मन से हुक्का बना रहे हैं। और ये है यहाँ पे रात का व्यू। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बारबेक्यू का प्रोसेस। यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है कि हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, बहुत ठंडी लग रही है। हुक्का मार रहे हैं, मुझे तो हुक्का भी नहीं मारने आ रहा है।
चिकन बनते हुए और ये कुछ देसी जुगाड़ क्योंकि हमारे पास ब्रश नहीं है, हमारे पास ब्रश था लेकिन वो गिर गया। अरे 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 चलिए लोग मेहनत करते हुए हमारा बारबेक्यू रेडी हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये ननद और भौजाई क्या गजब का रोस्टेड आइटम बना रही हैं। इसमें चिकन रोस्टेड हम लोग का बन चुका है जो कि यहाँ पे है और मसाला टिक्का भी इसी में है। दिखाइए ये देख सकते हैं आप लोग गजब का रोस्ट हो चुका है चिकन और आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पोटैटोस को रोस्ट कर रहे हैं और मशरूम रोस्ट पहले भी हुआ था, हम लोगों ने खाया था, बहुत ही टेस्टी था, सारे आइटम बहुत ही गजब के हैं, बहुत मजा आ रही है बनाने में। हम लोग बना रहे हैं और बाकी सब खा रहे हैं और हम लोग अभी तक खाया नहीं है। ये नेगेटिव बातें यहाँ नहीं चलेंगी भाई, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव। मैं खिलाता हूँ, अब हम बनाएंगे और आप लोग खाएंगे। सो गाइस हमारा तंदूर रोस्ट हो चुका है और मैं खाने जा रही हूं। Amazing. मैंने ही मैरिनेट किया है बट बहुत टेस्ट किया। और यहाँ पे देव फिर से हुक्का बनाते हुए। शानू मजा आ रही है पार्टी में, हीरा मजा आ रही है और यहाँ पे बाकी सब डांस करते हुए हैं। यहाँ पे दीदी ने बहुत ही अच्छा चिकन बनाया, बहुत टेस्टी है। भाभी कैसा है? खा के बताती। भैया कैसा है चिकन? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। तभी अभी ना किसी और के हाथ का खाने में खाने का बात ही अलग है। यस। और यहाँ पे डांस हो रहा है, छत पे सोया था बहनोई और सब डांस करने जा रहे हैं, बहनोई एंड और जो भी है सब डांस करने जा रहे हैं। भाभी और बहनों डांस करने जा रहे हैं तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं इसको।